नमस्कार जनपुवा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिश्केक में एससीओ समिट में आतंकवाद पर पीएम मोदी की खरी खरी। पीएम मोदी के सामने बैठकर देखते रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। बिश्केक में शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच से पीएम मोदी ने किया भाषण। एक बार फिर दुनिया के सामने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एक साथ आने पर दिया जोर। एससीओ के सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को बुलाने की अपील की। पीएम मोदी ने आतंकवाद का सफाया करने के लिए एक साथ कदम उठाने की कही बात। श्रीलंका के चर्च पर आतंकी हमले की जमकर की निंदा। पीएम मोदी ने आधुनिक समय में सभी देशों के साथ कनेक्टिविटी पर दिया जोर। बोले भारत की वेबसाइट पर रूस, अफगानिस्तान व अन्य देशों के टूरिज्म की मिलेगी जानकारी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का मामला पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच मामले में करेगी सुनवाई। अखिलेश शिवपाल यादव के बीच सुलह की कोशिश फेल। दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सपा में वापसी से शिवपाल यादव पहले ही कर चुके हैं इनकार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसके लिए नहीं थे तैयार। मोंटी चड्डा की साकेत कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। भागते समय दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर। हिजबुल के डिप्टी चीफ को भी सुरक्षा बलों ने घेरा। रक्षा मंत्री ने सेना के चल रहे प्रोजेक्ट की रिव्यू बैठक कर ली जानकारी। प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से की बातचीत। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। बोले समझ नहीं आता कि दीदी को हर घटना में बीजेपी क्यों दिखती है। डिंपल यादव ने अपराध घटनाओं पर योगी सरकार पर साधा निशाना। बोली दरवेश यादव की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर में नाबालिग बहनों के साथ हुई शर्मनाक घटना। चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में विकास कार्यों में आई तेजी। विधायक निधि से पड़पड़गंज क्षेत्र में शुरू हुई सड़कें बनना। जम्मू कश्मीर के सिहोक में फंसे नवासी पर्यटकों को सेना ने निकाला बाहर। जांच पड़ताल कर पर्यटकों को दिया गर्म कपड़े और दवाइयां। वायुसेना के लापता विमान के दोनों रिकॉर्डर खोजने में मिली सफलता। वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से लापता विमान के खुलेंगे राज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे त्रिमाला के बालाजी माला मंदिर। तिरुपति बालाजी में पूजा अर्चना कर किए दर्शन। कर्नाटक की एच डी कुमार स्वामी सरकार ने किया मंत्रिमंडल विस्तार। आर शंकर और एच नागेश को राज्यपाल ने दिलाई कैबिनेट मंत्री की शपथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। बोले शिक्षा जगत में आज दिल्ली पूरे देश को दे रही दिशा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डाइट सेंटर का किया उद्घाटन। कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा सेंटर। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर लगाया आरोप। बोले शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी की स्थिति थी बेहद खराब। प्री मेट्रो योजना पर दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता रमाकांत गोस्वामी ने उठाए सवाल। बोले दिल्ली सरकार योजना के नाम पर जनता को कर रही है गुमराह। युवा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार ने चलाया सदस्यता अभियान। सासाराम के नोखा में बनाए गए कई सक्रिय सदस्य। युवा जदयू कार्यकर्ताओं ने संजय कुमार का किया स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का दिया संदेश। मैनपुरी में ग्राम प्रधान और उसके साथी पर जानलेवा हमला। साथियों के साथ आगरा से वापस लौट रहे थे ग्राम प्रधान। बदमाशों ने हमला कर की जमकर फायरिंग। गोली लगने के बाद दोनों को सैफई मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। श्रावस्ती में इंतजार करती रही दुल्हन, नहीं आया दहेज लोभी दूल्हा। लड़की के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शादी के दिन परपक्ष ने फोन कर अचानक कर दी बाइक की फरमाइश। वधू पक्ष वालों ने असमर्थता जताते हुए मांगा था समय। बाराबंकी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बनी संयुक्त टीम। अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। जांच पड़ताल के दौरान कई क्लिनिक पर नहीं मिले कागजात। टीम ने दवाइयों की एक्सपायरी डेट की भी पड़ताल की। छापेमारी के दौरान कई क्लिनिक मानकों को नहीं कर पाए पूरा। जुबेर नामक क्लिनिक संचालक के पास नहीं मिली कोई डिग्री। गौतम बुद्ध नगर में योजना के बारे में महिलाओं को किया गया जागरूक। डीएम बीएन सिंह के निर्देशन में महिला कल्याण विभाग ने चलाया अभियान। ग्राम कुड़ी खेड़ा एवं सिरसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में दी गई जानकारी। लैंगिक समानता, बाल विवाह और महिला हेल्पलाइन के प्रति किया गया जागरूक। कन्या सुमंगला योजना की पात्रता और शर्तों के बारे में कराया अवगत। महिला शक्ति केंद्र की टीम ने बेटियां और किशोरी क्लब का किया गठन। बाराबंकी में उप निरीक्षक ने विश्व रक्तदान दिवस पर किया रक्तदान। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साइनी ने दिया प्रमाण पत्र। जिला हॉस्पिटल में रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। उप निरीक्षक मनोज सैनी ने रक्तदान कर लोगों को किया जागरूक। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बायर्स ने किया जमकर हंगामा। प्रशासन के फूले हाथ पांव, मनाने की हो रही है कोशिश। शाहजहांपुर में भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने लगाया आरोप। किसान दुर्घटना बीमा योजना में हुआ है करोड़ों का घोटाला। बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार को कटघरे में किया खड़ा। किसानों के साथ धोखा करने वाली बीमा कंपनी के खिलाफ की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा विधायक ने कार्रवाई न होने पर दी चेतावनी। विधान सत्र में मामले को उठाकर देंगे धरना। फिल्म मुंबई सागा में हुई जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी की एंट्री। फिल्म मेकर्स ने तस्वीरों के जरिए किया फिल्म का ऐलान। फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन के रीमेक में दिखेंगी परिणीति चोपड़ा। पाउला हॉकिंग्स के बेस्ट सेलर नोवेल आधारित है फिल्म।
पुर्तगाल में हॉलीडे का एंजॉय कर रही है सिंगर नेहा भसीन। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं बिकनी में हॉट हॉट तस्वीरें। रुई आफ़्ज़ा फिल्म की शूटिंग में राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर। फिल्म की शूटिंग के दौरान तस्वीर हुई वायरल। शेड्यूल से चार दिन पहले ही बिग बी ने पूरी कर ली चेहरे फिल्म की शूटिंग। रूमी जाफरी द्वारा निर्देशित फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम हुआ शुरू। भारत के बड़े मुकाबले से पहले पीसीबी चीफ का बड़ा बयान, बोले भारत से मैच खेलने के लिए नहीं मांगेंगे भी। विश्व कप में बारिश को लेकर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, लिखा इससे अच्छा होता भारत में आयोजित करवा लेते टूर्नामेंट। विश्व कप में जॉन राइट के साथ कमेंट्री करने के दौरान भावुक हुए सौरभ गांगुली, बोले उनके लिए कोच से बढ़कर मेरे दोस्त थे टीम इंडिया के पूर्व कोच। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच शुरू हुआ अहम मुकाबला, टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान ने लिया गेंदबाजी का फैसला। वेस्ट इंडीज की टीम ने 23 ओवर में 3 विकेट खोकर बनाए 104 रन, क्रिस गेल 36 रन बनाकर हुए आउट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।